आए कहाँ से मेरे भाई ये आए कहाँ से इधर दुकान इस्लामाबाद की मकामी अदालत से आप लोग बराह रास्त चलो भाई चलो शाबाश मैडम के साथ आया ड्राइवर ने बोला छोड़ो चलो भाई चलो बेटा चलो हेलो एक एक करके हमारे कारकुनों को उठा के ले जा रहे हैं कभी इधर से कभी उधर से ये बड़ा जुल्म है इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में खान साहब पहुंचेंगे तो फिर सारों को छुड़ाएंगे भाई मोबाइल पीछे करें ना भाई एक तो अकवाम मुत्तहिदा की अफवाज बुलाना भूल गए बेचारे और दूसरा नेटो इस हुकूमत का मामा लगता है मामा जी को भूल गए। मैंने इससे पहले नहीं देखा कि प्राइवेट इस्तगासा है भाई ये तो सरकारी केस ही नहीं है स्टेट केस नहीं है प्राइवेट इस्तगासे में ओपन कोर्ट है और इस आज इस केस के अलावा भी मेरे केस लगे हुए हैं और जितने लोग हैं सबको बाहर रोका हुआ है वकीलों को बाहर रोका हुआ है लीडरशिप को बाहर रोका हुआ है मीडिया को भी रोका हुआ है मीडिया को भी बाहर रोका हुआ है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और कोई तरीका नहीं हो सकता कि अपने शहर का मुआसरा करके नाज कर रहे हैं कि हमने मुआसरा किया है। तो इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं है ये सिक्योरिटी हैजर्ड है इमरान खान के लिए ये सिक्योरिटी हैजर्ड है सिक्योरिटी का खतरा है ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं। डॉक्टर साहब कितने लोग आएंगे कितने लोग आएंगे डॉक्टर साहब इमरान खान साहब के साथ अदालत में कितने लोग होंगे मुझे नहीं पता मुझे ये पता है कि वकील हम आए अकेले अकेले आ रहे हैं अपने केसेस और भी हैं मेरे उस कोर्ट में आज दो केसेस और भी हम अपनी तरफ से आ रही हैं इमरान खान लाहौर से आ रहे हैं मुझे नहीं पता कितने लोग कितने लोगों को इजाज़त होनी चाहिए आपके ख्याल में ओपन कोर्ट है आप सबको तो सबसे पहले इजाज़त होनी चाहिए मैं बाहर ठहर जाता हूँ आपको पहले इजाज़त दें मैं जा रहा हूँ कहूँगा मीडिया को पहले भेजो जी आपने
शब्बीर हैं बच्चे, गुलाम मुस्तफा, ठीक है, मुंशी शब्बीर के साथ और एक बैरिस्टर आसिफ, और एक मुंशी और ये अदालती बंदे को जाने दें यार। अदालती बंदे को भी नहीं जाने दें।